हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 2:45 के। आज बहुत लेट ब्लॉग स्टार्ट किया है। यहाँ पर मेरा लंच भी बन गया है और लंच में आज बनाया है चिकन, और मैंने अपने लिए ब्राउन राइस बनाया है और इनके लिए वाइट राइस और रोटी बनाई है। तो लंच बन गया है मेरा, अभी मुझे लंच करना है। तो मैंने सोचा चलो अब ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, आपको बता भी देती हूँ। और आज अंकल का बर्थडे है तो शाम को वहाँ पर जाएंगे। माही अंकल के लिए केक बनाएगी, उसके बाद हम लोग वहाँ पर जाएंगे, केक कट करेंगे। तो पहले मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आज मैं इनका लंच के लिए वेट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे लगी है बहुत ज़ोरों से भूख। क्योंकि आज ना ब्रेकफास्ट भी नहीं हो पाया, सिर्फ मैंने प्रोटीन शेक लिया था और उसके बाद ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। बहुत देर से वेट कर रही थी मैं चिकन कुक होने का, बट चिकन तो आपको पता ही है जल्दी कुक नहीं होता है, तो इसीलिए मैं अभी वेट कर रही हूँ। थोड़ी देर और 5 मिनट होने देती हूँ इसको, और उसके बाद अभी निकालूंगी और लंच कर लूँगी अपना, क्योंकि बहुत ज़ोरों से भूख लगी है मुझे आज और मुझसे कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो चलिए जल्दी से निकालती हूँ ये और फिर लंच करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। यहाँ पर बन रहा है मेरा चिकन, और उसके बाद एक्चुअली चिकन के 2-3 ही पीस थे, तो इसी वजह से मैंने ये चिकन ग्रेवी बना लिया हम दोनों के लिए, मतलब इनके लिए और मैंने अपने लिए। तो ये यहाँ पर चिकन बन रहा है, और यहाँ पर मेरे ब्राउन राइस है इसमें। एक मिनट ओपन करके दिखाती हूँ, ब्राउन राइस बन गया है। और उसके बाद इनके लिए बनाया है वाइट राइस, क्योंकि ये ब्राउन राइस खाना पसंद नहीं करते हैं। कैसे लगेगा यार ये? हाँ, लग गया। और उसके बाद यहाँ पर रोटी है, रोटियाँ बच्चों के लिए और इनके लिए। जल्दी से खुलेगी नहीं अब तो। रोटियाँ है यहाँ पे, और उसके बाद इसका ढक्कन नीचे गिर गया। और यहाँ पर है वाइट राइस, तो बस इसको खोल के नहीं दिखाऊंगी आपको, बस ये चिकन बन जाए मेरा, उसके बाद अपना लंच कर लूँगी, और लंच करने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो बस यहाँ पर चिकन बन गया था, तो मैं अपने लिए ये प्लेट निकाल रही हूँ, और थोड़ा सा ब्राउन राइस लूँगी, थोड़ा सा चिकन लूँगी, और ये सलाद में कुछ भी नहीं था, क्या बोलते हैं, सिर्फ प्याज और टोमेटो ही लिया है, खीरा वगैरह कुछ भी नहीं था, तो इस वजह से ये इतना ही लिया है। और दही भी नहीं था, तो दही लेती हूँ वरना, बट दही भी नहीं था तो इतना ही लेना पड़ा। तो बस यहाँ पर अपना लंच कर लूँगी, और हाँ, लंच करने के बाद ना आधे घंटे के बाद ही आ गए थे यार, तो मुझे लगा यार थोड़ी देर रुक जाती मैं तो अच्छा रहता, मतलब इनके साथ ही लंच कर लेती, बट कंट्रोल ही नहीं हो रहा था तो क्या करूँ, मजबूरी में लंच जल्दी ही करना पड़ा। और हाँ, बहुत से लोगों ने रिक्वेस्ट की है व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर करने के लिए, तो जल्दी ही मैं आप लोगों के साथ व्हाट आई ईट इन अ डे शेयर करूँगी, और डाइट में मैं क्या खा रही हूँ अभी तो वो शेयर करूँगी। ये रिक्वेस्ट मुझे बहुत दिनों से आ रही थी, जब से मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी। एक्चुअली जब मैंने वेट लॉस भी किया था उस टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि आपका वेट लॉस कैसे हुआ, मतलब आप शेयर करिए। तो वेट लॉस जर्नी तो मैं आपके साथ अभी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा वेट और थोड़ा सा पुट ऑन हुआ है, इसी वजह से जब तक मुझे नहीं लगता है कि मेरा वेट जितना मुझे चाहिए उतना हो गया है, तब तक मैं वेट लॉस जर्नी आपके साथ नहीं शेयर करूँगी। बट व्हाट आई ईट इन अ डे जल्दी ही शेयर करूँगी, और आप में से किस किस को देखना है कि मैं डाइट में क्या खाती हूँ दिन भर में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइज, हम लोग जा रहे हैं अंकल आंटी के घर, और माही ने आज भी केक बनाया है जैसे कि मैंने आपको बताया था सुबह, तो माही का केक रेडी है ये और माही ने अभी चॉकलेट सिरप भी लगा दिया है उस पर, अभी अभी लगाया है, तो अभी रेडी है केक, अभी लेके जाएंगे हम लोग और अंकल से केक कट करवाएंगे। तो यहाँ पर चाय श्रीकांत के लिए बन रही है, एक मिनट फोन कर देती हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं। हाँ माही, वो कुछ अलग से इसमें ले लूँगा बेटा, ठीक है अभी चॉकलेट सिरप खाया अद्विक, अद्विक आपका टकलू कितना अच्छा लग रहा है, हाओ हाओ बोल रहे हो, चिकना चिकना चमक रहा है आपका टकलू तो। हाँ, सरसों तेल लगाया पापा ने। कौन कौन मारता है तुला? वो बुलेट की आवाज है ना, वहाँ बुलेट की आवाज आ रही है। अच्छा, गोली मार रहा है कौन? अरे ते ते तो हेलीकॉप्टर की आवाज है, हेलीकॉप्टर। अद्वैग आप कैसे दिख रही हो अद्वैग? पंख उड़ते तो सर, हेलीकॉप्टर पंख उड़ते। चलो चलो अंकल के घर चलना चलना है ना, चलो पक्का
हैप्पी बर्थडे बोलना फिर उनको। क्या बोलोगे? हैप्पी बर्थडे ये सब बहुत अच्छे लगे और मुझे देखो कितना इस पे जड्डी और क्या बोला आपने? नहीं एक मिनट में क्या बोला आपने? ये सब अच्छे लग रहे और नहीं देखो आप किसी भी चीज में अच्छे लगते हो अभी। हम नहीं अच्छे लग रहे? नहीं। और मेरे से भी तुम लोग अच्छे लग रही हो? नहीं आप अच्छे लग रहे हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो। तो यहाँ पर पहुँच गए थे हम अंकल आंटी के घर पे। तो सबसे पहले तो सबने माही के केक की ही तारीफ़ की। सबसे पहले तो माही का केक ही देखा कि कैसे बनाया है माही ने केक, और सबने बहुत तारीफ़ की, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया माही का केक। और यहाँ पर ऑक्शन चल रहा है, जैसे कि सबके साइड में होता है, टीका वगैरह लगाया जाता है, तो ये हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद अंकल केक कट करेंगे, तो बस यही चल रहा है यहाँ पे। और एक केक ऑलरेडी कट हो चुका था क्योंकि श्रद्धा के इन लॉज आए थे, तो इसी वजह से पहले ही एक केक कट हो चुका था उनके सामने। और ये दूसरा केक कट करने वाले हैं अंकल। और हाँ, श्रद्धा के इन लॉज आके गए थे, और ये जो आपको दिखेंगे वो सब घर वाले ही हैं। अंकल आंटी है घर पे, श्रद्धा है, और श्रद्धा की मासी मासा जी आए थे, और उनकी दो बेटियां आई थी, तो वो हमारे सिटी में ही रहते हैं, तो इसी वजह से वो आ गए थे बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो वो तो सुबह से ही आए थे, और श्रद्धा के इन लॉज दोपहर में आए थे। और आपको बताया है नहीं बताया मैंने पता नहीं, बट आपको अभी बता देती हूँ मैं। श्रद्धा का जो ससुराल है वो हमारे सिटी में ही है, उसे यहाँ पर ही दिया है, हमारे सिटी में ही दिया है। इसी वजह से अंकल का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए वो सब लोग आ गए थे। और हाँ, आज मैं एक ख़ास शख्स से आपको मिलवाने वाली हूँ, तो वो शख्स है हमारे दामाद जी। तो ये हैं श्रद्धा के होने वाले हस्बैंड और हमारे होने वाले दामाद जी। वैसे आप इनसे शादी के दिन ही डायरेक्टली मिलते हैं, बट वहाँ पर मैं गई तो लकीली वो वहाँ पे थे, और इसी वजह से मैंने शूट कर लिया। मैंने सोचा चलो आपसे भी मिलवा देती हूँ उन्हें। तो ये है हमारे दामाद जी, और उनका नाम है अक्षय। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे कि आपको कैसे लगे हमारे दामाद जी। और बस यहाँ पर केक कट हो गया था, तो मैं आ गई थी घर पे, और आज डिनर बोल रहे थे कि ये बनाएंगे, डिनर मीन्स सिर्फ सब्जी। तो सब्जी में आज बनने वाली है क्या बोलते हैं, पनीर भुर्जी। तो पनीर भुर्जी ये बना रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इनको बोल देती हूँ कि शूट करने के लिए, तो इन्होंने शूट कर लिया था। तो यहाँ पर तेल बहुत सारा ऐड कर दिया है इन्होंने, तो यहाँ पर तेल में ऐड किया है जीरा और राई, वो चटकने के बाद उन्होंने हरी मिर्च ऐड कर दी है। और जब भी ये कुछ बनाते हैं ना, तो कभी इनको कुछ मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो ऐसे ही होता है इनसे। और कभी चिमनी ऑन करते हैं, कभी भूल जाते हैं, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बनाने के टाइम। तो बस इसी वजह से सारी चीज़ें निकाल के रख देते हैं साइड में। तो यहाँ पर प्याज ऐड कर दिया है तेल में, उसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। और इन्होंने पहले ही उसमें क्या बोलते हैं, नमक ऐड कर दिया है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये जो क्या बोलते हैं पनीर भुर्जी, इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ रेसिपी। नहीं तो अगर अच्छी नहीं बनती तो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करती, बट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, इसी वजह से मैंने सोचा चलो आपके साथ रेसिपी शेयर कर ही देती हूँ। तो बस यहाँ पर प्याज गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तब तक ये ना पनीर को कद्दूकस कर रहा है। और पनीर को कद्दूकस करके रख दिया था इन्होंने, उसके बाद प्याज में ऐड किया था अदरक जो चॉप करके रखा था वो, और उसके बाद टोमेटो ऐड किया था जो चॉप करके रखा था, और बेसिक से मसाले ऐड किए थे जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, बस इतना ऐड करके अच्छे से चला लिया था। और उसके बाद ढक्कन रख दिया था, और नमक तो पहले ही ऐड किया था उन्होंने, इसी वजह से बाद में नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पर टोमेटो गल जाने के बाद इन्होंने ऐड किया है ये एवरेस्ट का गरम मसाला, और उसके बाद अच्छे से उसे चला लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो ग्रेट करके रखा है पनीर वो उसमें ऐड कर देंगे। और हाँ, आधा जो धनिया पत्ता है वो पहले ही डाल दे रहे हैं मसाले में, और उसके बाद ये जो पनीर है वो ऐड करेंगे, और उसके बाद जो बचा हुआ धनिया पत्ता है उसे ऊपर से गार्निशिंग के लिए डाल देंगे।
इसके बाद पनीर डालने के बाद अच्छे से उसे मिक्स कर लेंगे ताकि उसमें जो मसाला है वो पूरा लग जाए। और अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद उस पर लीड रख के हमें थोड़ी सी स्टीम आने देना है उसे, और उस पर लीड रख के थोड़ी देर पकने देंगे। और उसके बाद उसको स्टीम आने के बाद उसको निकाल के, लीड को निकाल के उस पर धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए डाल देंगे। और ये हो गई हमारी पनीर भुर्जी रेडी। और रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे कि कैसी बनी है। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, इसी वजह से रेसिपी शेयर करना तो बनता ही था, तो इसी वजह से मैंने शेयर कर दी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अभी डिनर कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। गाइज अभी भी डिनर हुआ है और अभी बज रहा है 10:15। आजकल बहुत जल्दी डिनर हो रहा है हमारा, नहीं तो 11 वगैरह बज जाते हैं डिनर के लिए हमें, और बहुत लेट होता है। और मैं तो पहले ही कर लेती हूँ डिनर, मतलब बहुत जल्दी कर लेती हूँ, इनका वेट नहीं करती हूँ डिनर करने के लिए, नहीं तो ये तो बहुत लेट करते हैं। कभी टीवी देखते रहते हैं और कभी ये अद्विक और माही के साथ खेलते रहते हैं, तो इसी वजह से बहुत लेट होता है इनका डिनर। तो मैं जल्दी कर लेती हूँ, मैं तो अभी 7:30-8 बजे डिनर कर लेती हूँ, मतलब 7 से 8 के बीच में डिनर कर लेती हूँ, तो मेरा जल्दी हो जा रहा है आजकल डिनर। और अभी 10:15 बज रहा है, इनका भी डिनर हो गया है। ऐसे ही बैठे थे बातें करते हुए, आज एक ही रिक्वेस्ट आई है नाम लेने के लिए, तो उनका नाम है मीना चौहान, तो कॉन्ग्रेचुलेशन डियर। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके साथ मेरे दो और चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप में से कोई मराठी मुझे देख रहा है तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। चलिए फिर मिलते हो नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।